हेलो दोस्तों, कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें ये गाड़ी है, बोलेरो पिकअप है, इसमें कोडिंग करना है। तो चलिए, हम महिंद्रा ग्लोरा से कोडिंग कैसे करता है, हम चलिए दिखाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जिन भाई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, लैपटॉप स्क्रीन पर तो देखिए, हमने यहाँ पर आईडी डाल दिए, आईडी पासवर्ड दोनों, उसके बाद ओके करेंगे। इसमें बोलेरो पिकअप है तो बोलेरो पिकअप में सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए बोलेरो पिकअप, उसके बाद M2DI, उसके बाद 1755 ECU है, उसके बाद ICU या UIC, ये दोनों में कौन है उसी में जाएंगे। तो इसमें ICU है, उसमें जाएंगे। इसमें 1 की प्रोसीड, यहाँ पे देखिए हमें की प्रोग्रामिंग करना है, तो हमको एस फ्रेम में जाना है। एस फ्रेम में जाएंगे, उसके बाद और ECU अनलॉक है, ये लॉक है, तो इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ से ECU अनलॉक करेंगे। और अगर लॉक सेट चेंज करना है तो उसके लिए ICU में जाना है, वहाँ से होगा। हमें तो प्रोग्रामिंग करना है, तो उसमें जाएंगे, 1 volt की सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट, ओके। ये देखिए प्रोसेस चालू है, देखिए चल रहा है। इसमें यहाँ पे दोस्तों एक TPK मांगता है, यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ये देखिए आ गया है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर फिनिश, यहाँ पे लेवल, उसके बाद यहाँ आफ्टर सेल कोड में यहाँ पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट प्रोसेस कर देंगे। अभी चल रहा है, ये देखिए अब हो गया। अब इसमें ECU अनलॉक करना है, DMS ECU अनलॉक, प्रोसेस भी चालू है। ये देखिए DMS ECU, ये भी अनलॉक हो गया, ये ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है, चाबी ऑफ कर 2 मिनट के लिए, फिर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो। बाय बाय।